वडोदरा में केएसके महानदी पावर प्लांट के मजदूर कुछ दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, जिनका अनशन खत्म कराने के लिए पुलिस ने मजदूरों के साथ जबरदस्ती की। पुलिस प्रशासन ने मजदूरों पर टेंट तोड़ दिया और झंडे जला दिए। कुछ मजदूर नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया है और इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। वहीं जिला प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा है। हम लोगों को जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा बस में बिठा करके कहां ले जा रहा है हमको पता नहीं। हम लोग 100 आदमी के लगभग है, दो बस में है हम लोग। ये पहले बस में हम लोग है, दूसरा बस भी बाहर खड़ा है उसमें हम। हमने अभी आज तो कोई आंदोलन किया नहीं, कल जो भी शांतिपूर्ण आंदोलन था हमारे 70 मजदूर भाइयों को कल जेल में डाल दिया गया है और हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन आगे भी बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन अभी अब एक जवान लगाकर हमें अंदर किया गया है। अनशन कर रहे थे हम लोगों को, रात में जबरदस्ती खदेड़ा गया है वहाँ से और खदेड़ने के बाद हम लोगों को इधर उधर मार पीट कर दौड़ाया गया है। हम लोग अपना जान बचाकर भागे हैं उधर से और उसके बाद हम लोग एक सुरक्षित जगह में थे और हम लोगों को धमकी दिया गया कि तुम लोग अपने आप को सरेंडर करो। खबर विजयपुर से।